बर्थडे कैंप लेकर सदन पहुंची मोइत्रा। अदानी हिंडनबर्ग मामले पर बरसी बीजेपी सांसदों से नोकझोंक। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने अदानी समूह से जुड़े मामले को लेकर लोकसभा में जाकर वार किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सदन में दो बर्थडे कैंप भी लेकर पहुंची थी। पीठासीन सभापति ने उन्हें ये टोपियां पहनने से मना किया और उन्हें मेज से हटाने के लिए भी कहा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को अदानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने उद्योगपति गौतम अदानी का नाम लिया बिना कहा कि एक मशहूर शख्सियत जिसका नाम ए से शुरू होता है और आई पर खत्म होता है, वह अडानी नहीं है। टीएमसी सांसद ने कहा कि श्रीमान ए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे राष्ट्र को टोपी पहनाई, इस मामले को गंभीरता से जांच होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को विपक्ष का विरोध करने के लिए खास प्रशिक्षण दिया जाता है। हमें चीन, पेगासस, मोरबी, बीबीसी जैसे मुद्दों पर भी कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। हमें तो प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लेने दिया जाता है। उन्होंने उद्योगपति गौतम अदानी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अब जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में देश के साख दांव पर है। सरकार को इस मामले में पूरी तरह जांच करानी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी श्रीमान ए ने आपको टोपी पहनाई है, वित्त मंत्री जी उन्होंने आपको भी टोपी पहनाई है, उन्होंने पूरे देश को टोपी पहनाई है। महुआ ने कहा कि वह 2019 से सांसद में इस मुद्दे को उठाती आई है लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह विषय उठाया है तो सबका ध्यान गया है। महुआ ने दावा किया है कि यह उद्योगपति प्रधानमंत्री के साथ उनके शिष्टमंडल में विदेश जाते हैं और खुद को प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भाषण समाप्त करने के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा सदस्यों के बीच नोकझोंक भी हुई। भाजपा ने मोइत्रा पर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाया। सभापति ने भी इस पर आपत्ति जताई और सदस्यों से अपशब्दों से बचने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा से नैतिकता के लिए माफी मांगने को कहा।